हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज अवर टॉपिक इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। देखिए, हमने इससे पहले आपने हमारा जो भी वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट पढ़ा। अब हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कंप्लीट परमानेंट मैग्नेट। तो मैग्नेटिज्म क्या है, देखिए, मैग्नेटिज्म सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि मैग्नेट होता क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये बात आप लोग को प्रैक्टिकली पता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं अपने पास जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो उस टाइप का जो मटेरियल होता है वो मैग्नेट कहलाता है। तो मैग्नेट इज ए सब्सटेंस हु अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब हमारे नेचर में जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं लाइक निकिल, कोबाल्ट, आयरन, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला जो मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है। एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म कहलाती है। अब अपन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में मैग्नेट का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, लेकिन हम इस क्लास में, 12th क्लास में, इसका बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। आपने 10th क्लास में भी मैग्नेट का स्टडी किया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टी पर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो इसका डेफिनेशन में है वो क्या करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कॉमन नेचर है उसका, डेफिनेशन है। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज इट हैव टू पोल्स, इसके टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर। तो मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, एक पोल नॉर्थ पोल कहलाता है, एक पोल साउथ पोल कहलाता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि मैग्नेट, सपोज अपने पास कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट को हम पीस पीस में कटिंग कर दें। सपोज ये अपने पास कोई मैग्नेट है, इसको हम इस तरह से पीस पीस में कटिंग कर दें, तो इसका ईच पार्ट इज कंप्लीट मैग्नेट। मतलब मैग्नेट को यदि कटिंग किया जाए, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो भी उसका हर पार्ट क्या होता है, कंप्लीट मैग्नेट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बाय हीटिंग एंड हैमरिंग आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इट विल बी डीमैग्नेटाइज। मतलब यदि हम किसी मैग्नेट को गर्म कर दें, हीट कर दें उसको, या उसको हैमरिंग करें, हथौड़े से मारें, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अपन अप्लाई करें, तो वो क्या होता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। दैट मीन्स वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर लेता है। क्लियर। नाउ अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, आप समझ गए उसको, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर क्या हो जाना, उसका डीमैग्नेटाइज हो जाना, ये भी क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सपोज अपने पास कोई बार मैग्नेट है, सपोज ये बार मैग्नेट है, इसको मैं फ्रीली सस्पेंडेड कर दूं, तो अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल की तरफ वो रेस्ट करता है। मतलब इट विल बी ऑलवेज रेस्ट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अर्थ। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इसके बेसिक फंडामेंटल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या करता है, ये नॉर्थ साउथ में रेस्ट करता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, यदि हम क्या करें, मैग्नेट को डिवाइड करें, छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दें, तो हम उसका कोई सेपरेट पोल फाइंड नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड इट्स सेपरेट पोल आइदर नॉर्थ आर साउथ, नॉर्थ आर साउथ। दैट मीन्स मैग्नेट को हम डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट कंप्लीट मैग्नेट तो होता है, लेकिन हम इसके प्योर नॉर्थ पोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। देखिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि हम उसके ओनली पॉजिटिव चार्ज या ओनली नेगेटिव चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ मैग्नेट वी कैन नॉट फाइंड प्योर आर सेपरेट नॉर्थ पोल आर सेपरेट साउथ पोल। मतलब हम इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल फाइंड नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट के, कि मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं,
क्लियर, एक बार रिपीट करता हूँ, मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, मैग्नेट को कटिंग करने पर इसका हर पीस एक कंप्लीट मैग्नेट होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर यह क्या होता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, रेस्ट फ्रीली सस्पेंडेड करने पर रेस्ट कंडीशन में ये नॉर्थ साउथ में रेस्ट करता है, और हम मैग्नेट के कोई सेपरेट पोल इंडिपेंडेंट नॉर्थ साउथ पोल फाइंड नहीं कर सकते, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है। अब अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका मैग्नेट का एक जनरल इंट्रोडक्शन, नहीं बेस क्लियर होना जरूरी है, मैं हमेशा अपने फिजिक्स के क्लास में ये आपसे जरूर डिस्कस करता हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक पर किसी भी सब्जेक्ट पर आपको कमांड करना है तो आप बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो व्हाट इज मैग्नेट इन इट्स प्रॉपर्टी, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के कितने टाइप्स होते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, फर्स्ट इज नेचुरल मैग्नेट एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, नाम से आपको क्लियर है, नेचुरल मैग्नेट मीन्स गिफ्टेड बाय नेचर, ए मैग्नेट विच इज गिफ्टेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, लाइक अर्थ, हमारी पृथ्वी, अर्थ क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, क्लियर। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट इज मैन मेड मैग्नेट, क्लियर, जिसको हम लोगों ने बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया, जिसको हमने क्रिएट किया, वो क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है, क्लियर। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का कोई सर्टेन टाइप नहीं है कि थ्री टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं, एक्चुअल में आर्टिफिशियल मैग्नेट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरह का हमको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का हमको इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना है, तो उसके लिए जैसा मैग्नेट हमको चाहिए हम उसकी वैसी डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट का जो टाइप है वो डिपेंड करता है उसके साइज एंड शेप पर, कैसा उसका साइज है और कैसा उसका शेप है, लाइक बार मैग्नेट, आपको पता है बार मैग्नेट, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस तरह से बार के साइज का होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये क्या कहलाता है, बार मैग्नेट। जनरली हम इस मैग्नेट को स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए और हम लैब में जितने भी तरह के स्टडी हम करते हैं जनरली हम बार मैग्नेट, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ स्टडी मैग्नेट, ये पढ़ने का काम आता है। नेक्स्ट इज हार्सू मैग्नेट, इस तरह से घोड़े के पैर पर जो रिंग लगाया जाता है सू, हाँ इस तरह से शेप का, वो हार्सू मैग्नेट कहलाता है, ये हार्सू मैग्नेट। नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलर मैग्नेट, ये सर्कुलर मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट भी आपने देखा होगा, जो स्पीकर अपन बनाते हैं, स्पीकर बनाने के लिए जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है वो सर्कुलर होता है, उसका रीजन क्या है कि जो साउंड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको होमोजीनियस कहा करता है, रिसीव करता है, आगे के चैप्टर में आप उसको पढ़ेंगे। इस तरह से क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट के बहुत सारे टाइप हैं, उसको हम वैसा काउंट करके नहीं बता सकते, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट इज मेड बाय इट्स साइज एंड शेप फॉर डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जब हमको कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है, हमको वो कुछ भी डिवाइस बनाना है, वाइब्रेटर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वहाँ पर या फैन डिजाइन करना है, फैन भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मूव होता है, आप आगे के चैप्टर में सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जिस तरह का मैग्नेट का हमको रिक्वायरमेंट होता है हम उस तरह का मैग्नेट क्या कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, उसी वैसे उसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे किसके बारे में, बार मैग्नेट के बारे में। तो यहाँ हम आपको बताते हैं बार मैग्नेट का इंट्रोडक्शन कि बार मैग्नेट में एक्चुअल में क्या क्या होता है। देखिए तो अब अपने स्टडी को हम फोकस करते हैं किस पर, बार मैग्नेट पर। नाउ बार मैग्नेट तो आप सबने देखा होगा, हम इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको हेडिंग ही देता हूं इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ बार मैग्नेट।
इंट्रोडक्शन ऑफ बार मैग्नेट, हम देखते हैं कि बार मैग्नेट में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, ये पूरे चैप्टर में इसी फंडामेंटल के बेस पर हम इसकी स्टडी करेंगे, क्लियर। तो यहाँ मैं आपको एक फिगर बना दूँ पहले बार मैग्नेट का इस तरह से, और इस फिगर पर आपको मैं बताते जाता हूँ कि इसमें क्या क्या होते हैं, क्लियर। तो पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट अपन डील करते हैं। फर्स्ट इज पोल, हमको पता है इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्लियर। ये सपोज इसका नॉर्थ पोल है और ये सपोज इसका साउथ पोल है। देखिए मैंने पोल को मैग्नेट के एंड से थोड़ा अंदर बनाया है, ये पॉइंट को मैं नॉर्थ पोल बोल रहा हूँ, ये पॉइंट को साउथ पोल। तो सबसे पहले अपन देखें कि पोल होता क्या है। देखिए टर्मिनोलॉजी पर हमारा कमांड नहीं होता, इसीलिए हमको कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। जैसे हम पूरे चैप्टर में पोल ऑफ द मैग्नेट, पोल ऑफ द मैग्नेट हम पढ़ा रहे हैं, बुक में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को ये बात क्लियर नहीं होता कि भाई एक्चुअल में पोल होता क्या है। यही कुछ वजह है कि हमको कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। मेरा हमेशा हर स्टूडेंट को एक ही मैसेज है, एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं, कि आप किसी भी वर्ड को विदाउट सेंस ब्रेन में आप स्टोर मत करिए। क्योंकि यदि आप किसी वर्ड को ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं लेकिन आपको उसका रियल सेंस नहीं पता, मीनिंग नहीं पता, तो वो ब्रेन का बर्डन है और कुछ नहीं है। और यही वजह है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और हमको क्या होता है, वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए मैं आज के अपने इस लेक्चर में कंप्लीट मैग्नेटिज्म के फंडामेंटल पर ही डिस्कस करूंगा, और आप जब मेरा इसका नेक्स्ट वीडियो अटेंड करेंगे उसको आप देखेंगे तो मैं उसके मेन टॉपिक पर बात करूंगा। तो आज का हमारा बेसिक फंडामेंटल देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको पोल, व्हाट इज पोल। पोल तो अपन कहते रहते हैं, पता नहीं होता कि पोल होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए पोल इज ए पॉइंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो पॉइंट है, ये मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर दो पॉइंट मेंशन किया है। तो एक पॉइंट है और उसको भी आप देख रहे हैं मैग्नेट से थोड़ा अंदर है, मैं आगे रीजन बताऊंगा क्यों अंदर है। पोल इज ए पॉइंट, पोल एक पॉइंट है, तो किस तरह का पॉइंट है, वेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम, मतलब मैग्नेट का मैग्नेट में प्रेजेंट। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जब भी मैग्नेट बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बार मैग्नेट। आप उसको किसी दूसरे मैग्नेट के साथ, आप उसको सर्कुलर मैग्नेट के साथ कोरिलेट नहीं करा देंगे, अदरवाइज आप कन्फ्यूज जाएंगे। टोटल इंट्रोडक्शन इज रिलेटेड टू बार मैग्नेट, दैट मीन्स पोल इज ए पॉइंट वेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम। पोल एक ऐसा पॉइंट होता है मैग्नेट में जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज इफेक्टिव लेंथ, पोल स्ट्रेंथ पढ़ें पहले, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, नाम से क्लियर है, स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। मैंने भी आपको बताया कि पोल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होता है, तो उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो ताकत है अट्रैक्ट करने का या रिपल करने का, ठीक है। तो अट्रैक्ट और रिपल करने का उसका जो यहां पर स्ट्रेंथ है वही पोल स्ट्रेंथ कहलाता है, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसे, स्मॉल एम से। आप ध्यान रखेंगे इसको कैपिटल एम नहीं लिखेंगे, अदरवाइज इसका सेंस बदल जाएगा, आगे बताऊंगा कि क्या सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई 2L, ये 2L से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इफेक्टिव लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये 2L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इफेक्टिव लेंथ कहलाता है, नॉट कंप्लीट लेंथ ऑफ द मैग्नेट। कई स्टूडेंट्स लोग को इस बात पर कन्फ्यूजन होता है कि इफेक्टिव लेंथ कहने से उनके दिमाग में क्या आता है कि मैग्नेट का कंप्लीट लेंथ नहीं। इफेक्टिव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, एक एक वर्ड को आप ध्यान से समझिए, इफेक्टिव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इफेक्टिव लेंथ कहलाता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और कैपिटल एम इक्वल टू होता है स्मॉल एम इंटू टू एल, स्मॉल एम इंटू टू एल, दैट मीन्स
द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम इज पोल स्ट्रेंथ द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। क्लियर, दैट इक्वल 2ml ऐसा लिखते हैं। तो कैपिटल M इक्वल टू 2ml होता है। ये फार्मूला बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज है। फिफ्थ इज न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिगर में O से। तो यहाँ पर देखिए, ये सेंटर में एक पॉइंट है, ये है न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए मैग्नेट इज ए पॉइंट वेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज जीरो। मतलब किसी भी बार मैग्नेट के सेंटर में, ठीक मिड पॉइंट में, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो होता है, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज, ये मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी मतलब मैग्नेट में यूज होने वाले टेक्निकल वर्ड्स और उसका मीनिंग। नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। एक्सिस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का एक्सिस क्या होता है, देखिए तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां पर आप देख रहे हो नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल से होकर जाने वाला जो एक कंप्लीट लाइन है ये कहलाता है एक्सिस, एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेट का एक्सिस है। ए लाइन विच इज पासेस थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ मैग्नेट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होने वाला जो लाइन है वो इसका एक्सिस कहलाता है। एंड नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, देखिए इसके न्यूट्रल पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन है, ये मैं ड्रा कर रहा हूं यहां पर, ये न्यूट्रल एक्सिस है इसका। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस इज अ लाइन विच इज पासेस थ्रू न्यूट्रल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस। दोनों बात कहना जरूरी है क्योंकि इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रा किए जा सकते हैं, बट इट हैव टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज न्यूट्रल पॉइंट इज पासेस थ्रू, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस इज पासेस थ्रू न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, न्यूट्रल पॉइंट होकर जाता है एंड परपेंडिकुलर विथ एक्सिस। एक्सिस के साथ में क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। क्लियर। एंड एट्थ प्रॉपर्टी इज ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, अब यहां पर आप देखिए ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होता है, मैग्नेट के इस एंड से लेकर इस एंड तक के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ है और ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है। तो नेचुरली आप यहां पर देख रहे होंगे कि ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो वैल्यू होता है वह इफेक्टिव लेंथ से ज़्यादा होता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल लेंथ दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस है और इफेक्टिव लेंथ क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। ज्योमेट्रिकल लेंथ इज 6/5 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव लेंथ। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में, कॉम्पिटिटिव में कई जगह ये काम आएगा। मतलब जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है वह 6/5 इंटू इफेक्टिव लेंथ होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ इज 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, ऐसा भी कर सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऐसा होता है, इसको ट्रांसफर कर दिया तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल लेंथ का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में सपोज हमको मैग्नेट का ज्योमेट्रिकल लेंथ दिया हुआ है, सपोज द लेंथ ऑफ मैग्नेट इज 3 सेंटीमीटर और हमको वहाँ पर इफेक्टिव लेंथ का जरूरत है, तो क्या करेंगे हम उसमें 5/6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए मैग्नेट का जो पोल है वो थोड़ा अंदर क्यों होता है, मैग्नेट का पोल थोड़ा अंदर होने का रीज़न ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, अनलाइक पोल्स हैं,
और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों पोल, जैसे ये एक मार्कर मेरा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे अंदर की तरफ, और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो मैग्नेट के पोल हैं जो किनारे रहते हैं वो थोड़े डिस्प्लेस होकर क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं। क्लियर? तो ये इसका एक रीज़न है कि कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है, कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये नॉर्थ और साउथ पोल एकदम एंड में किनारे में क्यों नहीं रहा, तो एक अट्रैक्शन फोर्स के कारण है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इफेक्टिव लेंथ, एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ओके, एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी इज मैग्नेटिक मेरिडियन। इस टर्म का भी बहुत बार आपको आगे यूज होगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, देखिए ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन आप देख रहे हैं, ये थ्री डायमेंशन में मैं प्लेन बना रहा हूँ, ये जो इसके एक्सिस से होके जा रहा है, ये जो मैं डॉटेड लाइन से बनाया है, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन का एक प्लेन है और वो क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस से होके पार होता है। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा इसका, मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए प्लेन व्हिच इज पासेस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेट आर बार मैग्नेट। तो नाइन जो टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो नाइन टर्म्स है, पोल, पोल स्ट्रेंथ, इफेक्टिव लेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूट्रल पॉइंट, एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और पूरा चैप्टर हमारा इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए अब जो मैं आपको जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, एक्चुअल में वह मैग्नेट का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट जब मैग्नेट पढ़ता है तो उसको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मैग्नेट और मैग्नेट की तरह की प्रॉपर्टी क्या है। ये है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर को अपने डायरेक्ट अपने बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से कोरिलेट कराते हैं। सीबीएसई के स्टूडेंट अपने सिलेबस से करा रहा होगा, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट अपने से, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट अपने सिलेबस से, और सिलेबस से कोरिलेट करा के उसको समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है मेरा कि आप कभी भी किसी टॉपिक को, जैसे सपोज आप अपने बुक पढ़ रहे हैं, सिलेबस देख रहे हैं और वहाँ आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट नहीं मिला, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए कि ये तो सर ने पढ़ाया, ये तो बुक में नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से कॉन्सेप्ट, खासकर मेरे सब्जेक्ट में फिजिक्स में, बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट हैं। सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है मतलब इन कॉन्सेप्ट को यदि आप ना समझो, यदि आप ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो किसी ऐप के लिए कोई सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है, वो आपके पास ना हो तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक उसी तरह से कि हो सकता है ये टॉपिक डायरेक्ट आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन एक स्टूडेंट यदि मॉलिक्यूलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता तो मैं समझता हूँ मैग्नेट को समझ कैसे रहा होगा, उसके तो दिमाग में ही यही बात नहीं होगा कि भाई मैग्नेट है क्या। उसने पूरा मैग्नेट पढ़ लिया लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डेवलप हुआ। एक सामान्य, इस पर मैं आपको बात करने से पहले एक सामान्य एग्जांपल दूं कि सपोज मेरे पास ये टू मार्कर है, सपोज एक आप रेड देख रहे हैं, ब्लू देख रहे हैं, इसमें से एक आयरन है, सपोज आप इसको आयरन का स्टील का समझ लीजिए, ये भी आयरन और स्टील का ही, दोनों सेम टू सेम है, लेकिन एक मैग्नेट है एक ऑर्डिनरी स्टील है, ऐसा आपने देखा होगा। तो कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई दोनों आयरन पार्टिकल से ही बने हैं, दोनों के केमिकल फिजिकल आज प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फिर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और एक क्या है, ऑर्डिनरी आयरन है। तो ये बात जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेट कैसे बनाते हैं,
या मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट कैसे बन जाता है, एक ऑर्डिनरी आयरन पीस है और एक मैग्नेट बन चुका है। ये सब चीज़ें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप मॉलिक्यूलर थ्योरी को ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। देखिए, तो इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है, ईच पार्ट ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कंप्लीट मैग्नेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस का ईच पार्ट मीन्स ईच मॉलिक्यूल्स, ईच पार्ट मतलब इसी इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसका हर मॉलिक्यूल, क्लियर, इसका हर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक कंप्लीट मैग्नेट होता है। मतलब उसके हम एक छोटे से मॉलिक्यूल्स का भी स्टडी करें तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जरूर होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज, देखो क्या होता है, यहां पर मैं एक फिगर बनाऊं कि सपोज ये अपने पास कोई आयरन पीस है और हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि ईच पार्ट ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कंप्लीट मैग्नेट। तो इसके सभी मॉलिक्यूल्स जब मैग्नेट हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि इसके जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो इस तरह से क्लोज चैन बनाते हैं। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरह से नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ऐसे क्या करते हैं, क्लोज चेन बनाते हैं। तो ये क्लोज चेन बनाने के कारण होता क्या है, ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। मतलब ये छोटे छोटे क्लोज चेन में रहते हैं और नॉर्थ साउथ के साथ क्या होता है, ये बैलेंस कर लेते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और ये हमारा जो कंप्लीट मैग्नेटिक सब्सटेंस है यह मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। क्लियर। तो ये एक ऑर्डिनरी आयरन पीस आप इसको समझ लीजिए। लेकिन फिर क्या होता है कि सपोज हमने क्या किया, थर्ड नंबर का हम इसको बोलते हैं, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी आपको समझा दूं फिर इसके मैं एविडेंस बताऊंगा आपको। ये सपोज अब हमने क्या किया, कुछ ऐसा प्रोसेस किया इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ, हमने कुछ ऐसा प्रोसेस किया, उसके बहुत से प्रोसेस हैं आगे डिस्कस करेंगे उस पर, कि इसके जितने क्लोज चेन हैं ब्रेक हो गए और ब्रेक होने के बाद ये पूरे के पूरे क्लोज चेन इस तरह से क्या हो गए, पैरेलल अरेंज हो गए। अब ये सभी नॉर्थ टाइप के पार्टिकल्स इस साइड में आ गए और साउथ पार्टिकल्स सब इस साइड में आ गए, तो ये जो अपने पास ऑर्डिनरी आयरन पीस था यही क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। दैट मीन्स मैग्नेट बनने और एक ऑर्डिनरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होने के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, देखें इसके भी हर पार्टिकल मैग्नेट हैं, थोड़ा ध्यान से अपनी बात समझेंगे, इसके भी हर पार्टिकल कंप्लीट मैग्नेट है लेकिन दोनों के अरेंजमेंट में डिफरेंस है। इसके पार्टिकल्स क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में या एक साइकिल बना के एक दूसरे के स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय कर ले रहे हैं और ये प्रॉपरली अरेंज होके इस तरह से, और ये बिहेव करने लगता है किसकी तरह, मैग्नेट की तरह। ये मैग्नेट बन गया और ये आयरन पार्टिकल्स है, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आप ध्यान दो, इसको मैं यदि हम आदमी के इंसान के लाइफ से कोरिलेट करके देखूँ तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी के अंदर उतना ही पोटेंशियल है, उतनी ही एनर्जी है, एक दूसरे आदमी के पास भी उतनी एनर्जी है, लेकिन एक आदमी अपनी एनर्जी को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया तो कोई आउटपुट नहीं दे पाता। लेकिन वो इंसान यदि अपनी एनर्जी को प्रॉपर डिसिप्लिन में, मतलब यदि सिस्टमेटिक अरेंज कर ले तो वो क्या है, सोसाइटी को बड़ा आउटपुट देता है, बड़ा काम करता है। तो ये यहाँ पर आप मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी ये बात आप देख रहे हो कि इसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आपस में ख़त्म हो जा रहे हैं और ये क्या है, एक डिसिप्लिन पर है, एक सिस्टम पर है, इसलिए क्या है, अपने स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट के बीच ओनली उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट का डिफरेंस है। क्लियर। अब हम इसके एविडेंस पर बात करें। देखिए एविडेंस मतलब इसके प्रमाण, इसका एविडेंस क्या हो सकता है, फर्स्ट का एविडेंस क्या हो सकता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, उसको पीस, अभी मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में, उसको कटिंग कर दिया, ग्राइंडिंग करके उसको इतने स्मॉल पार्टिकल में आप चेंज कर दीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखे। ओपन आई तो छोड़िए, आप माइक्रोस्कोप तो छोड़िए, आप यदि आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे
तब भी उसके पास दो पोल होंगे, वो एक कंप्लीट मैग्नेट। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में बताया, वी कांट फाइंड एनी इंडिपेंडेंट पोल ऑफ द मैग्नेट। आज तक किसी साइंटिस्ट ने कोई नॉर्थ या साउथ पोल सेपरेट नहीं पाया है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि हम सेपरेट कर सकते हैं, हम प्योर पॉजिटिव चार्ज पा सकते हैं, हम प्योर निगेटिव चार्ज पा सकते हैं, बट हम एक सेपरेट नॉर्थ पोल फाइंड नहीं कर सकते। बेसिक डिफरेंस को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये है इसका एविडेंस। इसका एविडेंस क्या होगा, मैंने अभी ये प्रॉपर्टी बताया, बाय हीटिंग हैमरिंग आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेट विल बी डीमैग्नेटाइज। मतलब क्या होता है, ये हमारे पास मैग्नेट है, मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, इसको मैं पटक दिया, ये हथौड़े से मारा या गर्म कर दिया। ऐसा करने से क्या होते हैं, इसके जो मैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सटर्नल एनर्जी फाइंड करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी फाइंड करके एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड होकर ऐसे छोटे छोटे क्लोज चेन बनाते हैं और वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्लियर। और इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे इसी यही फिगर बना के मैं आपको समझा दूं कि ये अपने पास एक ऑर्डिनरी आयरन पीस है और इसके पास मैं ला के ज्वाइंट कर दिया, किसको मैं ज्वाइंट कर दिया, किसी मैग्नेट को। ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। जैसे ही हम इस मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट मीन्स ऑर्डिनरी मैग्नेट पीस के पास हम इसको जैसे ही लाएंगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो फिर इसके सिर्फ साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, साउथ को, और इसके क्लोज चेन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और चेन ब्रेक करने के बाद पूरे साउथ पोल इस साइड और पूरे के पूरे नॉर्थ पोल इस साइड अरेंज हो जाएंगे और ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो आपने देखा होगा कि सपोज ये मेरा मैग्नेट है, ये आयरन पीस है, लाते हैं तो चिपका लेता है और जितने देर तक इसके साथ चिपका कर रखे गए भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, क्योंकि इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैग्नेट की तरह अरेंज हो गए। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक बुरा इंसान एक अच्छे इंसान के कांटेक्ट में यदि लंबे समय तक आए, उसके साथ में रहे, तो उसमें एक चेंजेस आता है। यह हमने सोसाइटी में भी ऐसा देखा है, यहाँ आप नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये चीज़ देख रहे हो कि एक मैग्नेट के पास एक ऑर्डिनरी मैग्नेटिक सब्सटेंस आके जब चिपक जाता है तो वो भी उतने देर तक क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसके सारे क्लोज चेन ब्रेक होके प्रॉपर अरेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स मैं अपने लैंग्वेज में कहूँ तो एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। क्लियर। तो ये है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट एंड इट्स एविडेंस। ये थ्योरी जब तक आप नहीं समझेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में कोई मैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए आज के क्लास में मैंने स्टार्टिंग में कहा, वैसे जितने लोग भी आप मेरे वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जितने लोग भी मेरे वीडियो से फायदे उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक सजेशन है कि किसी भी चैप्टर का, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो फिजिक्स हो, मैं आपको दोनों सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो मेरे दोनों सब्जेक्ट के वीडियो में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी पार्ट उसके होते हैं उसको जब आप देखते हो, तो मेरा आपको एक सजेशन है कि उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, सपोज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया या सपोज मेरा कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो एनीवन, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है आप उसको केयरफुली बहुत कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखिए। क्योंकि मेरा एक टीचिंग स्टाइल है कि कभी भी मैं कोई चैप्टर जब स्टार्ट करता हूँ तो मेरा जो पहला क्लास होता है या जो मेरा पहला वीडियो है आपके लिए, उसमें मैं पूरे चैप्टर के फंडामेंटल पर डीपली डिस्कस करता हूँ। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि यदि वो चीज़ आपका क्लियर हो जाए तो आपको आगे के डिफ़िकल्ट टॉपिक भी क्या लगेंगे, इजी लगेंगे। और आदि आपका बेसिक क्लियर नहीं, कई बार स्टूडेंट क्या करता है, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो एग्ज़ाम में नहीं आता, ये तो बहुत कॉमन है, और उसको स्किप कर देता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप स्किप करने के बाद वो टॉपिक आप नहीं समझ पाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। क्लियर। तो फर्स्ट वीडियो को आपको हमेशा ध्यान से देखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक कीपर। मैग्नेटिक कीपर, यहां पर मैं आपको समझा के इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं और मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करें। पहले इस पर बात कर लें अपन, मैग्नेटिक कीपर।
देखो कीपर का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करने वाला, कीपिंग करना, उसकी सुरक्षा करना। तो मैग्नेटिक कीपर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट है, सपोज ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको हम कहीं पर नेचर में खुला छोड़ दें, तो ऐसा करने से क्या होता है, अर्थ ऑलरेडी एक मैग्नेट है और हम सपोज ये मैग्नेट में इसको यहाँ रख दिया, तो इस मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, वहाँ से डिस्प्लेस करना चाहता है, दैट मीन्स दोनों के बीच में फोर्स लगता है और इस फोर्स लगने के कारण ये जो मैग्नेट है धीरे धीरे डिमैग्नेटाइज हो जाता है, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक कीपर बना के इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को क्या है, बचाया, रोका, कीपिंग किया, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर। तो उसको बनाते हैं किस तरह से, देखिए मैग्नेटिक कीपर इस तरह से बनाते हैं, ये सपोज ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पर अपन अपोजिट पोल को करेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और ये दोनों मैग्नेट के बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक वुडन, प्लास्टिक, रबर, कुछ भी यहाँ पर हम रख देंगे जो मैं रेडिंग से बनाया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ये नॉर्थ और साउथ में यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का पीस, और यहाँ पर भी हम एक सॉफ्ट आयरन के पीस को इसके साथ में ज्वाइंट कर देते हैं। क्लियर, इस तरह से आप देख रहे हो ये अरेंजमेंट। अब इससे होता क्या है, देखिए ऐसा करने से क्या है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ इस सॉफ्ट आयरन के थ्रू, फिर साउथ टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ, मतलब अंदर अंदर गोल गोल ये क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है, मैं कॉमन एग्जांपल में दूं, सपोज आपके पास एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक में आपने एक पंप लगा दिया और टैंक से वाटर को आउटलेट किया और उसको फिर एक तरफ से इनलेट कर दिया, तो टैंक का वाटर कभी ख़त्म होगा, नहीं होगा, वो रिसाइकल होते रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसके जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट का, जो स्ट्रेंथ है रिसाइकल होते रहता है, इस मैग्नेट उसमें, इसमें से इसमें, इसमें से उसमें, और आप कितने भी लंबे समय तक आप इसको छोड़ दो तो डीमैग्नेटाइज नहीं होता, ये कहलाता है मैग्नेटिक कीपर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक कीपर बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज़ करते हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, गिव रीजन में मैग्नेटिक कीपर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, व्हाई। तो इसका रीजन क्या है कि सॉफ्ट आयरन से मैग्नेटिक कीपर बनाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का एक नेचर है कि वो क्या होता है, साइटली, वेरी साइटली मैग्नेटाइज एंड साइटली डीमैग्नेटाइज, मतलब उसका नेचर क्या है, जैसे दो मैग्नेट है और ये रेड इंक का पेन मेरा क्या है, ये इस ये, तो जैसे इसको मैं चिपकाऊंगा तुरंत क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे इसे मैं रिमूव करूंगा वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यदि हम इसके जगह में, इस सॉफ्ट आयरन के जगह में किसी दूसरे आयरन को यदि हम यहाँ पर यूज़ कर दें तो क्या होगा, वो खुद परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, और परमानेंट मैग्नेट बनने के बाद वो मैग्नेट को खुद डिस्ट्रॉय कर जाएगा, हम तो उसको लगाएं उसकी कीपिंग के लिए, लेकिन खुद क्या कर दिया, वो उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया। ठीक है, तो ये कहलाता है मैग्नेटिक कीपर। तो आज तक का, आज के लेक्चर में मैंने आपको जो बताया वो मैंने सिर्फ मैग्नेट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, और मेरा आपको एक सजेशन है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बस समझिए, आप इसके इस हेडेक हिम्मत लीजिए, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो फिर आपका कम्प्लीटली एग्ज़ाम पर बेस्ड, जिसमें मैं आपको पहले से बता दूं कि हम एक्सिस पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन और जितने भी कैलकुलेशन हैं, कूलम्स लॉ, ये सब का स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।